हाय, आज के डिस्कशन का टॉपिक है कि अपने बिजनेस में कैसे मोनोपोली क्रिएट करें। तो चलो जानते हैं हाउ टू किल योर कंपटीशन एंड ग्रो कंटिन्यूअसली इन बिजनेस। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि कंपटीशन क्या है और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं जिनको कि आपको बीट करके आगे बढ़ जाना है। देखो, जो लोग इंडिविजुअल्स हों या कंपनीज जो आप जैसे ही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, लगभग उसी ज्योग्राफी में ऑफर कर रहे हैं और लगभग उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन क्रिएट हुआ। और ये जितनी सारी कंपनियां हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, ये सर्विसेज प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, दे आर कॉम्पिटिटर्स। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन को किल करने की, मोनोपोली क्रिएट करने की। इसको करने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है, हाउ टू सेल एनीथिंग सक्सेसफुली, उसमें आपको क्या बताया, फर्स्ट नो व्हाट योर कस्टमर्स वांट, डोंट सेल, फर्स्ट यू नो व्हाट दे वांट। तो सबसे पहले आपको कस्टमर के पास जाना होगा, पता करना होगा कि वो चाहते क्या है, उनको क्या ऐसी चीज आप दे दें, क्या सर्विस और प्रोडक्ट ऑफर करें विच विल डिलाइट देम, जिससे वो एकदम खुश हो जाए, उनकी सारी आकांक्षाएं आपसे पूरी हो जाएं, अगर वह प्रोडक्ट सही प्राइस पर जो उनको बेनिफिट चाहिए वह डिलीवर कर दे, तो साहब आप कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस आपको करनी पड़ेगी, जो आपको उस वीडियो में बताया था, सेल एनीथिंग इजीली सक्सेसफुली गारंटीड। साहब, एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए, बढ़िया मार्केटिंग इंटेलिजेंस करने के लिए आपको कस्टमर्स के पास ही जाना होगा। फ्रेंड्स, मार्केट में 90% कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स, ये कस्टमर की आकांक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरते ही नहीं, इसीलिए बहुत थोड़ी सी कंपनीज हैं जो मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं, क्योंकि वो कस्टमर की आकांक्षाओं पर, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करके, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं, उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एक चेकलिस्ट बनानी होगी कि आपका कस्टमर चाहता क्या है। एक चेकलिस्ट बनाओ और फीडबैक कलेक्ट करो, अपने सारे कस्टमर्स से मिल सकते हो तो मिलो, अगर कस्टमर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है, तो रैंडम सैम्पलिंग करो, उनसे फीडबैक कलेक्ट करो। कम से कम 15-17-20 ऐसे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कस्टमर चाहता होगा, क्या प्राइस पॉइंट पर चाहता है, किस तरह की डिलीवरी चाहता है, किन मौकों पर खरीदता है, किस तरह की पैकेजिंग चाहता है, प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट्स चाहता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। मार्केट इंटेलिजेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, नाउ यू हैव कम टू नो व्हाट द कस्टमर्स एग्जैक्टली वांट, नाउ यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू कैन डिलीवर इट। उसके लिए इस चेकलिस्ट को लेकर बैठो। मार्केट इंटेलिजेंस क्रिएट करने से मेरे फ्रेंड्स कुछ नहीं होता अगर आपने उस पर ईमानदारी से काम नहीं किया। अब आप इस चेकलिस्ट को बैठो, अपने प्रोडक्ट्स में वो डेवलपमेंट करो, अपनी प्राइसिंग कितनी सही कर सकते हो वह करो, कितना कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो वह करो, लॉजिस्टिक्स कितना इंप्रूव कर सकते हो, सर्विस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और जिस दिन कस्टमर के इन पूरे चेकलिस्ट पर जो उनके एस्पिरेशंस है आपने फुलफिल कर दिया, तो आप पाएंगे कि मार्केट में कम से कम 90% लोगों से तो आप स्वयं तुरंत आगे बढ़ गए और अब आप मोनोपोली क्रिएट करने के बहुत नजदीक पहुंच गए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि आप मोनोपोली क्रिएट करने के कितने नजदीक हैं। नाउ यू हैव द मार्केट इंटेलिजेंस, यू नो व्हाट द कस्टमर्स वांट। नाउ देयर आर ओनली 3 स्टेप्स, अब सिर्फ 3 स्टेप्स बच गए जिनको कि आपने ठीक से चल लिया, उन पर ठीक से काम कर लिया, उन पर अमल कर लिया, तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। पहली बात, कन्विक्शन कि कस्टमर्स को जो चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन, जो कस्टमर्स को चाहिए वो हमारे पास है, ये कस्टमर्स को मालूम होना चाहिए। और तीसरी बात, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, कंटिन्यूअसली कस्टमर्स के एस्पिरेशंस चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं, उनको और अच्छी चीज़ें चाहिए, तो अगर आप कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं करेंगे तो अभी तो आप मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे लेकिन फिर पिछड़ जाएंगे। मोनोपोली बनानी जरूरी है और मोनोपोली को कंटिन्यू रखना है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले कन्विक्शन के लिए हम ये करेंगे कि जो चेकलिस्ट बनाई है उसको लगातार टिक
करते जाएंगे कि हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। जब तैयारी पूरी हो गई, हम कन्विंस्ड हैं, कन्विक्शन आ गया कि अब हम कस्टमर्स को वो डिलीवर कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन के टूल्स, डिफरेंट मीडिया, मीडिया प्लानिंग करके, बढ़िया मीडिया बाइंग करके, और कस्टमर्स को जो चाहिए वह हमारे पास है, ये कस्टमर्स तक कम्युनिकेट किया जाए। अगर आप इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, देन यू कैन टॉक वन टू वन विद ऑल योर कस्टमर्स। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी है जो कि मास कम्युनिकेशन करती है, ATL कम्युनिकेशन करती है, अब द लाइन BTL एक्टिविटीज करती है बिलो द लाइन, तो इसको करें, कस्टमर्स को कम्युनिकेट करें। और जैसे ही यह कस्टमर्स को मालूम होगा कि आपके पास वह चीज़ है जो कस्टमर को चाहिए, वो सारे बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं सही प्राइस पॉइंट पर, सही ज्योग्राफी में, जो उनको डिलीवरी चाहिए सर्विसेज की वह मिल रही है, तो फ्रेंड्स मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। अब मोनोपोली को बरकरार रखने के लिए आप लगातार मार्केट इंटेलिजेंस कलेक्ट करें, लगातार उस पर काम करें, और आपकी मोनोपोली कंटिन्यूड रहेगी। सो दोस्तों, आज का जो आपने एपिसोड देखा, किल योर कॉम्पिटिशन एंड ग्रो इन बिजनेस, इट इज अ फैक्ट, ऑल द कंपनीज विच क्रिएट मोनोपोली वर्क ऑन दिस फॉर्मूला ओनली, सिर्फ इसी पर काम करते हैं और मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, मैं हर वीक आता हूं आपके लिए बेहतरीन केस स्टडीज लेकर, बेहतरीन मोटिवेशनल टॉक्स लेकर, बिजनेस स्ट्रेटजीज लेकर। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाकर इंश्योर करो कि सारे नए एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों से भी शेयर करो, उनका भी लाभ होगा, और मैं आ गया हूं आपकी जीत में सहयोगिता देने। तो चलो जीतें।